तो इसमें जाएगा थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा ये जो मैंने तेल गरम करके रखा है ये जाएगा, ताकि ये थोड़ी है ना क्रिस्पी बने। अच्छा, तो मैं आटा गूंथती हूँ, ठीक है, फिर आपको दिखाऊंगी। और अब देखो ये जो मैंने आलू बॉईल करने के लिए रखी थी उसमें विसल बजने वाली है, और मम्मी कम से कम 2-3 विसल बजाई नहीं हूँ। 3 विसल बहुत है। 3 विसल के बाद हम आलू जो बॉईल हो रहे हैं उसको बंद कर देंगे और आलू को चेक करेंगे, और वीडियो होने वाली है काफी मजेदार। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना और उंगलियां चाटते रह जाएंगे, इतनी प्यारी डिश बनेगी आलू पूरी की, जो हर किसी को बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगती है। सिंपल रेसिपी है, झटपट रेडी हो जाती है। और यहाँ पे अपनी एनी जो है इतना शोर कर रही है, इसे टमाटर का नाम सुनते ही इतना ज्यादा मतलब वो हो जाता है ना, देखो शोर कर रही है और कूद रही है इतनी देर से, मतलब मेरे को तंग करेगी, टमाटर दे दो टमाटर दे दो। तो मैंने जो टमाटर मम्मी ने अभी कद्दूकस किए थे सब्जी के लिए, आलू सब्जी बना रहे हैं जो उसके लिए, तो मम्मी ने जो ग्राइंड किए उसको एनी को दे दिए। अब ये थोड़ी सी शांत है ताकि मैं वीडियो शूट कर रही हूँ, पर नहीं मुझे वीडियो शूट नहीं करने देती, बहुत ची ची पै पै भाव भाव करती रहती है, तो इनके साथ भी काफी मजा आता है, एंटरटेन करते रहते हैं डॉग्स भी। तो फटाफट से जाते हैं, मम्मी देख रहे क्या कर रहे हैं, तो मैं चलती हूँ किचन में।